वो पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, वो पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, वो पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। नमस्ते सभी को, हिंदू पोस्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वीर सावरकर जी ने कहा था कि वो मुसलमानों से नहीं डरते, वो अंग्रेजों से भी नहीं डरते, पर वो उनसे डरते हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। एक महान ज्ञानी और हिंदुत्ववादी होने के नाते सावरकर जी जानते थे कि जो हिंदू हिंदू धर्म का विरोध करेगा वो हिंदू पर अत्याचार का विरोध कभी नहीं करेगा। और अगर ऐसा हिंदू जो कि सिर्फ नामधारी हिंदू है, इसे अगर इस देश का कोई उच्च पद मिल गया तो शायद वो हिंदुओं को बहुत नुकसान भी पहुंचाएगा। आज हम उनकी बातों को अपने सामने सच होता देख रहे हैं, जब हमारे देश के राजधानी में बैठकर हमारे देश का एक वरिष्ठ नेता हिंदुओं के निशंस नरसंहार पर अट्टहास करता दिखता है। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और दुख की बात ये है कि ये अट्टहास ये हमारे ही देश के लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर कर रहा है। पिछले हफ्ते दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल ने भरे सदन में द कश्मीर फाइल्स फिल्म के ऊपर झूठी होने का तमगा लगा दिया। ये फिल्म मिशन कश्मीर या शिकारा जैसी कोई काल्पनिक फिल्म नहीं है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने करीब 700 कश्मीरी हिंदुओं का इंटरव्यू लिया, उनके एक्सपीरियंसेस जाने, और उन इंटरव्यूज और एक्सपीरियंसेस के बेसिस में ही उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और उनके दुख को अपने फिल्म में उतारा। इस फिल्म में दिखाई गई हर घटना कश्मीर और कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई है, जिसे 3 दशकों तक भारत के हर तंत्र और व्यवस्था ने छुपाए रखा, मिट्टी डाल दी। पर मिट्टी डालने से ही सच्चाई झूठ में तो नहीं बदल जाती ना। गेजा टीकू के साथ हुआ अपराध, उन्हें जीवित अवस्था में ही आरी से काटना, ये भारत की सच्चाई है। गिरिजा टीकू के साथ हुए अपराध की साजिश उन्हीं के मुसलमान सहकर्मी ने किया था, यह भी इस देश की सेक्युलरिज्म की शर्मनाक सच्चाई है। टेलीकॉम इंजीनियर बी के गंजू के घर में मुस्लिम आतंकियों का घुसना, उनका खून करना, उनके खून से सने चावल उनकी पत्नी को खिलाना, इस देश की सच्चाई है। और बी के गंजू के मुस्लिम पड़ोसी का मुस्लिम आतंकियों को बताना कि वो कहाँ छुपे हैं, ये भी इस देश के सेक्युलरिज्म की सच्चाई है। डरावनी है पर सच्चाई है। इस देश की सच्चाई यही है कि हजारों कश्मीरी हिंदू मारे गए, लाखों को घर छोड़कर भागना पड़ा, जम्मू में टेंटों में तथा देश के राजधानी में रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ा, और इसी सच्चाई को द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। कश्मीरी हिंदुओं पर 30 साल पहले एक जेनोसाइड हुआ था, 30 साल बाद इस देश के राजधानी में, इस देश के सदन में, इस देश के एक चुने हुए मंत्री ने कश्मीरी हिंदुओं के सम्मान का, उनके हौसले का, उनके अस्तित्व का, उनकी सच्चाई का फिर से जेनोसाइड किया है। शर्म आ रही है ये सोचकर कि ये आदमी जो अपने ही देश के लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद होने पर हंस रहा था, वो आपके देश का एक अहम नेता था। तो थोड़ा रुक जाइए और थोड़ा शर्म अपने आप पर कर लीजिए, क्योंकि इस आदमी को उस कुर्सी तक पहुंचाने वाले भी आप और हम जैसे आम जनता ही हैं। आम जनता नहीं तो इस आदमी को राजधानी का मुख्यमंत्री बनाया था इसके फ्रीबीज के प्रॉमिसेस के चलते, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में बस की सवारी, मेडिकल फैसिलिटी इत्यादि के लालच में आकर हमारी जनता ने अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। तो अगर केजरीवाल के द्वारा किए गए कश्मीरी हिंदुओं के गण हत्या के मजाक बनाए जाने पर आपको गुस्सा आ रहा हो, तो उस गुस्से का कुछ हिस्सा इस देश की जनता पर भी जताएं। केजरीवाल के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद ही दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे शुरू हो गए। दिल्ली की हालत लगभग कश्मीर जैसी ही बन चुकी थी 2020 में। 300, 400, 500 की भीड़ में आतंकी आते और हिंदुओं पर वार करते, कहीं किसी हिंदू सब्जी विक्रेता का खून हुआ तो कहीं किसी हिंदू मिठाई की दुकान में काम करने वाले के हाथ पांव काटकर उसको जिंदा आंख में झोंक दिया गया। एक सरकारी अफसर अंकित शर्मा पर बार बार चाकुओं से वार किया गया जब तक वो मर नहीं जाता, और पुलिस के चार्जशीट के अनुसार आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन उस कॉन्स्पिरेसी का मुखिया था। ये सरकार, ये लीडर हमने ही चुने हैं, हिंदुओं ने ही चुने हैं ऐसे लीडर्स जो उनके नरसंहार पर सिर्फ हंसते ही नहीं हैं, बल्कि उनका नरसंहार रचते हैं। हमारे देश के ज्यादातर हिंदू ही सो रहे हैं, गैर जिम्मेदार और गैर फिक्र हो चुके हैं वो। उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं जब तक उनके जेब से 4 पैसे बच रहे हों। इन वोटर्स के लिए हमारे देश की राजधानी कश्मीर बनते बनते बस रह गई।
लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। खैर, मैंने सुना था कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझती है। काफी फिल्मी डायलॉग है, लेकिन इस डायलॉग की सच्चाई पर मुझे भरोसा था। कश्मीर में न जाने कितनी महिलाओं का सर्वनाश हुआ। जान तो गई ही, पर उससे पहले इज्जत भी नहीं बची। वो कैसी औरत हो सकती है जो इस तरह की दर्दनाक और भयंकर घटनाओं पर भी ठहाके लगाकर हंसती होगी। ये है आपकी एमएलए राखी बिरला। राखी बिरला के पिता भूपेंद्र बिदलान के ऊपर एक 24 साल की महिला से बलात्कार करने का आरोप है और उनके भाई विक्रम बिदलान पर अपनी ही पत्नी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करने का आरोप है। इसी परिवार की बेटी राखी बिरला एक समय में दिल्ली की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ करती थी और ये महिला कश्मीरी महिलाओं और बच्चों के ऊपर हुए जुल्म पर ऐसा अट्टहास लगाती है। पर जैसा कि मैंने कहा, इसमें दोष हमारा ही है, हम हिंदुओं का ही है। हम हिंदुओं ने जहां चार पैसे की बचत देखी वहीं वोट दे दिया। कल को अगर ऐसा ही कोई नेता आकर हिंदुओं पर कश्मीर की जैसा जुल्म करे और 2 साल बाद कहे कि मैं आपको बिजली पानी राशन सब मुफ्त में दूंगा, तो शायद हम उसे भी वोट दे दें, क्योंकि हम सेक्युलर जो हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है कि इस नेता ने 2 साल पहले हमारे ही भाइयों को काटा था। हम तो शायद यही सोचकर खुश हो जाएंगे कि चलो उनके हिस्से का मुफ्त का सामान भी अब हमें मिलेगा। आप लोग तो जानते ही होंगे, पंजाब में अभी आपकी सरकार बन चुकी है, पुलिस भी आपकी ही है। पंजाब में खालिस्तान के विवाद भी जोर पकड़ रहे हैं। हिंदुओं को यह तो बहुत अच्छे से याद है कि 1984 में कांग्रेस ने सिखों पर टारगेटेड अटैक्स करवाए थे, पर क्या हमें यह याद है कि 1984 से पहले जब खालिस्तानी आतंक फैल रहा था और आगे चल के अपने चरम पर पहुंचा, तो कैसे बस से उतार उतार के उनका नाम पूछ पूछ कर पंजाब के हिंदुओं को मारा गया। वो दिन भी कश्मीर की हिंसा से कम खूंखार नहीं थे। अभी पंजाब में खालिस्तानी हलचल बढ़ रहे हैं और वहाँ एक ऐसी सरकार है जिसे हिंदुओं के नरसंहार पर हंसी आती है। अगर 1980s का दौर वापस पंजाब में आ गया तो क्या होगा पंजाब के हिंदुओं का? सोचिए, सोचने की आदत डालिए।